देश में चल रहे मीटू अभियान के तहत महिलाओं ने अपने साथ होने वाले शोषण के खिलाफ आवाज उठाई, जिसमें बहुत से प्रसिद्ध लोगों के नाम सामने आए। लेकिन शोषण केवल महिलाओं के साथ ही होता है, पुरुषों की माने तो शोषण का सामना उन्हें भी करना पड़ता है। अब मीटू की तर्ज पर 15 लोगों के एक समूह ने मीटू आंदोलन की शुरुआत की है। विक्रोली पुलिस ने विकासकर्ता डेवलपर को गिरफ्तार किया। मिली जानकारी से पता चला है कि मुंबई में किफायती घर मुहैया करते थे जुमले लोगों को बताकर लाखों रुपए से लोगों को डुबाया है। पुलिस ने देवदास राव को, उनके बेटे तेजजी राव, बेटी नंदिता राव को गिरफ्तार किया है। बट उनका कोई, उनके तरफ से कोई कॉल भी नहीं आया। बट उनका प्रॉपर्टी भी अभी तक 600 करोड़ का उन्होंने सबमिट किया है, बट उनको जब्त करके हम लोग का पैसा, हार्ड एंड मनी दे सके। बहुत सारे बंदे लोग ऐसा घर मॉर्गेज करके लाए, किसी ने पर्सनल लोन लेके लाए, कोई हार्ट पेशेंट भी है उसमें जो इसका ले, इसका दर्द से गुजर रहे, तो किसी का भी एक पैसा भी नहीं आया और वो लोग कुछ कॉल भी नहीं कर रहे। अभी भांडुप में कस्टडी में रखा है और हम लोग, हमें उनसे कोई ये जेल में भेजने का कोई इरादा नहीं। ऐसे हमें हमारा मेहनत का पैसा मिले तो हम लोग केस वापस लेने के लिए था यार। कुछ कॉल भी नहीं आया, उनको कुछ फर्क भी नहीं पड़ रहा है। बिंदास उनका लाइफस्टाइल, अभी भी मर्सिडीज जो लाइफस्टाइल जी रहे हैं, वाधवा में 72,000 में पर मंथ रेंट पे रह रहे। सेन उनका मर्सिडीज में घूमना, मॉल में जाना, उनका लाइफस्टाइल बहुत है। हमारा लाइफस्टाइल बहुत खराब हो चुका है, उनका फॉरेन टूर्स करना है, बहुत सारा उन्होंने किया, हम लोग ने देखा है। हम जब भी उनके ऑफिस में पैसा मांगने जाते थे, बोलते दुबई गया, सेकंड थिंग तभी जाते थे लंदन गया, तो हमारे पैसे से उन्होंने बहुत सारा एंजॉय किया, बट हमको कुछ भी नहीं मिला। हम लोग को जब से पैसा दिया, उनके ऑफिस में चक्कर मारते रह गया, बीवी बचा, ना दिवाली बने ना दशहरा बने, कुछ भी नहीं बने, बट उन्होंने हमारे पैसे में ऐश किया, बट हमको कुछ भी नहीं मिला। अभी भी हम लोग सोचते हैं कोर्ट से हम लोग को न्याय मिले और हम लोग का पैसा रिटर्न मिले, सबका पैसा रिटर्न मिले इंटरेस्ट के साथ। अतिक्रमण की चपेट में इतवारी बाजार शहर के सबसे बड़े और फेमस मार्केटों में से एक गांधीबाग का होलसेल क्लॉथ मार्केट है। व्यापारियों का नुकसान कर रही मनपा इतवारी बाजार से इस 60 वर्षों पुराने बाजार की सुंदरता को आज अतिक्रमणकारी ग्रहण लगाने पर तुले है। तो दर्शकों, खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS न्यूज लाइव देखने के लिए MNS इंडिया प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें और हमारे MNS न्यूज लाइव को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।